हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ, जी हाँ, मैथिली में कैसे होती है शादी। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो, सब किसी के हाथ में धान और दूब है और साथ में पैसा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बिलौकी। पहले होता था कि घर घर जाके, आंगन जाके बिलौकी मांगा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब आंगन में ही लेके आते हैं। तो ये है बिलौकी का धान, देख सकते हो धान और दूब रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग बिलौकी दे रहे हैं लड़के को, धान और दूब लड़के को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं। फाइनली अब हम लोग निकलेंगे। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो अभी वही रस्म, बिलौकी की रस्म हो रही है। और उसके बाद हम लोग बारात निकलता है, जी हाँ, मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे सब हम लोग दरवाजे पे आ गए हैं और अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर। तो चलिए मंदिर, और अभी थोड़ा सा आंगन का लुक दिखाते हैं। जी हाँ, ये मेरी बगल की हैं, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि ये सब अभी यादें रह जाएगी मेरे ब्लॉग में। और फाइनली अब हम लोग आ गए हैं मंदिर। जी हाँ, मंदिर में प्रणाम करने के लिए मेरा भाई आया है, जी हाँ, जिसकी शादी है। और यहाँ पे सारे लोग हम लोग मंदिर में आ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मंदिर के बाहर का, और यहाँ पे जो है मेरा भाई लालू, जी हाँ, जिसकी शादी है, तो वो अभी निकल गया है मंदिर से प्रणाम करके। और यहाँ से हम लोग चलेंगे कहीं और। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पे सारे लोग गैदरिंग, देख सकते हो कितना भीड़ है। गांव की शादी है तो भीड़ तो जानते ही कितनी भीड़ होती है। और कितना अभी गाना भी बज रहा है, यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है। और यहाँ कुंज जो है वो अपने मामा का हाथ पकड़ के इधर उधर कर रहा है, डांस भी कर रहा है। लेकिन वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट ना आए, क्योंकि बहुत जल्द मेरा चैनल जो है वो मैं मोनेटाइजेशन के लिए भेजने वाली हूँ, इसीलिए। तो यहाँ पे देख सकते हो डांस भी कर रहा है, भोला बाबा बम भोला बाबा पे। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, जी हाँ, आम के गाछी में, बगान में आए हैं। यहाँ पे आम महुआ ब्याह होता है, इसकी आम महुआ की शादी की जाती है, हर शादी में होता है। तो यहाँ पे पिठार, जी हाँ, पिठार, सिंदूर पिठार लगाया जाता है। और उसके बाद जो होता है कच्चा सूता, उसको लपेटा जाता है सातवा। तो अभी वही होगा, अभी सिंदूर, देखिए पिठार के बाद सिंदूर 5 बार लगाएगा। और उसके बाद अभी जी हाँ, आप लोग के यहाँ भी होता होगा आम महुआ, ऐसे ही हम लोग के यहाँ मायके में होता है। उसके बाद सारे लोग अभी आम, वहाँ पे गाना भी होता है। और मिथिला में है कोई भी रस्म हो तो एक गाना ज़रूर होता है, सुबह सुबह के लगनमा, ये बहुत वहाँ पे हर जगह होता है, हर किसी कल्चर में अलग अलग होता है। फिलहाल यहाँ कैमरा मैन है, देख सकते हो, और ये मेरे बगल में जो है वो सहवाला बना है, जी हाँ, मेरे बहन का ही बेटा है, इसका नाम है माधव। और सहवाला कैसा लग रहा है, ये भी छोटा सा दूल्हा सहवाला ही होता है, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी जो रस्म चल रही है वो है आम बहू अभियाने की। और यहाँ पे जो एक रस्म होता है हवा बसात बोला जाता है बांधने का, तो उसमें दौड़ दौड़ के धागा से बांधा जाता है, तो वही दौड़ा जाता है, बोलते हैं हाँ बांधे हाँ बांधे। तो यही अभी वो रस्म हो रही है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं घर। जी हाँ, घर का दिखाऊंगी। तो कुंज अपने मेरे गांव में एक भैया हैं, उनका रेडियो लेके, और लेके आके यहाँ पे डांस कर रहा है। रेडियो देखिए, यहाँ पे रेडियो लेके डांस कर रहा है आज के युग में। उसके बाद बारात निकलती है, साइड में देख सकते हो दूल्हा का गाड़ी है, जी हाँ, गाड़ी सजा हुआ है, ये गाड़ी से दूल्हा राजा जाएगा। पे जी हाँ, चौका पे लड़का बैठ गया है, जहियाँ चौका पुराता है आंगन में, और वहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, हाथ में दही दिया हुआ है मटकूरी में, जी हाँ, मिट्टी के बर्तन में। और यहाँ पे अब इसकी जो रस्म चल रही है वो है सुहाग देने की। जी हाँ, सुहाग मिथिला में लड़का लड़की दोनों की शादी में पड़ती है, और वो सुहाग कोई और नहीं, धोबिन जो होती है वो कपड़ा धोने वॉशरमैन की बीवी जो होती है वो देती है। तो यहाँ पर देख सकते हो वही रस्म हो रही है। और उसके बाद नहचू का होगा,
हुआ, तो नहचू में भी वो जो बाल दाढ़ी काटती है नौवाइन, जिसको ठकुराइन भी बोलते हैं, तो वो नहचू करती है। तो यहाँ पे हल्का सा कानी उंगली में काटा जाता है, जी हाँ, वो उसका जो नाखून काटने वाला था उसी से काट के और फिर पान में डाल दिया जाता है। और ये जो पान है वो दुल्हन को खिलाया जाता है, दुल्हन के लिए भेजा जाता है। और यहाँ वही रस्म अभी चल रही है, देख सकते हो, थोड़ी सी बुझाता है, जी हाँ, कटता है तो ब्लड निकलता है रुई में डाल के और दिया जाता है दुल्हन को। इसे कहा जाता है कि स्नेह बढ़ता है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद चुमावन होगा, जी हाँ, लड़के हमारे मिथिला में ये होता है कि लड़के को परस के नहीं, जी हाँ, परछा दामाद को जाता है और बेटे को चुमा के शादी के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पे चुमावन की रस्म हो रही है, गाना भी हो रहा है, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। उसके बाद ये मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग आ गए हैं, जी हाँ, कहाँ आए हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। फाइनली यहाँ पे हम लोग बारात आ गए, और बारात में किस किस से मिल रहे हैं वो भी मैं बताऊँ। तो सबसे पहले मम्मी जी से मिले, जी हाँ, लड्डू की दादी माँ, और यहाँ पे लड्डू की बुआ मोना जी, और इधर जो हैं वो छोटी जी, अभी हाई कर रही हैं मोना जी, वो वेट कर रही होंगी मेरे ब्लॉग का कि कब डालेंगे। और ये है छोटी, देख सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये स्टेज है जहाँ जयमाला होगा, और ये है मूविंग स्टेज बना हुआ है जयमाला के लिए स्पेशली। और यहाँ पे बारात भी आ गई है, देख सकते हो, तो बारात में सारे लोग हैं, जी हाँ, हमारे घर गांव के सारे लोग आए थे, और सारे लोगों को मैं अपने ब्लॉग में भी शामिल कर ली। और जब भी मैं ये वीडियो देखूंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और मेरे भाई लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे तीनों लोग हैं, मैं, दीदी और मोना जी, देख सकते हो। जैसे ही मैं गई तो मुन्ना जी बोली राखी जी ब्लॉग बनाएंगी, मम्मी जी बोली राखी जी ब्लॉग बनाएंगे, जी हाँ, मैं ब्लॉग बनाऊंगी। ये सभी छोटे छोटे मेमोरी रहता है जो कि अच्छा लगता है देखने में। दीदी का लुक कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और दीदी ही बोली आए हम बराती करके वो करने के लिए, तो मैं भी स्टार्ट कर दी, मैं चलो अच्छा, तो अच्छा आइडिया मिले तो कर लेना चाहिए। और यहाँ पर कन्हैया जी है, यहाँ पर ओम है, ओम है, यहाँ पर पापा, मैं, ओम, और उसके बाद फिर हम लोग इधर आ गए हैं, जी हाँ, जितना भी हमको क्लिपिंग मिला मैं अपना शूट करते गए। और यहाँ पे जीजा जी, पापा और कुंज, पापा के गोदी में यहाँ मेरे जीजा जी हैं, देख सकते हो। और ये भीड़, जी हाँ, भीड़ नहीं है, ये बराती, इतने सारे बराती अपने गांव से, मेरे गांव से आया है। और यहाँ पे कुंज को देख सकते हो, कुंज खूब मस्ती करते हैं। यहाँ पे मेरा भाई जो है वो स्टेज पे आ गया है, जी हाँ, ऐसे ही लाया जाता है गाड़ी से उतार के, तो वही सारे उनके साले लोग उठा के ही डायरेक्ट स्टेज पे जाके रखे हैं। अच्छा लगता है, सारे शादी में ऐसे ही होता है, लड़के को गोदी में उठा के लेके जाके रख स्टेज पे बैठाया जाता है। और यहाँ स्टेज पे देख सकते हो, ओम है, लड्डू है और कुंज है, तीनों भाई स्टेज पे खूब मस्ती किया है, वो भी मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊँगी। और यहाँ पर कन्हैया जी देख रहे हैं, और यहाँ देख रहे हो, यहाँ तीनों भाई की मस्ती चल रही है कैसे। और मुझे डर भी लग रहा था कि लाइट के पास जाके ये लोग कितना ये मस्ती कर रहा है। और ये कुंज को देखिए, कुंज ज़्यादा नौटंकी भी करता है, यहाँ पे देखिए लगता है रो रहा है, रो नहीं रहा है, वो ऐसे ही कर रहा था, कभी सो जा रहा था कभी। और फाइनली यहाँ पर दुल्हन आ गई है, तो दुल्हन आई है चुन्नी में ही, बहुत सुंदर दुल्हन लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है वो भी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मेरा भाई जी, हाँ, ये जो है, ये जो सीन होता है वो एवरग्रीन सीन है, हर शादी में आप लोग को देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, जी हाँ। और यहाँ पे देख सकते हो फाइनली मेरा भाई का लुक भी कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी वो अपनी दुल्हन को ले जा रहा है स्टेज पे। और वरमाला की अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसे लाइव चलाई थी, तो आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। और उसके बाद सारे लोग जब जयमाला हो जाती है तो हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं,
जाते हैं। तो यहीं पे वीडियो बना रही हैं कुंज के पापा और मेरा भाई और उसकी वाइफ होने वाली, लेकिन अब हो चुकी है। और यहाँ पे अब बारी आती है निरीक्षण की। जी हाँ, मिथिला में निरीक्षण बोला जाता है जो गहना और कपड़ा चढ़ाया जाता है मारो में, तो वही चीज़ अभी हो रहा है। पहले होता था कि बीच में पर्दा डाल दिया जाता था, एक तरफ दुल्हन और एक तरफ बराती होता था, लेकिन अब जो है वो पर्दा की जो रस्म है वो ख़त्म हो गई है। तब आमने सामने बैठ के किया जाता है और इस रस्म में लड़के का बड़ा भाई, जी हाँ, वही गहना चढ़ाता है। तो मैथिली में निरीक्षण बोला जाता है और भोजपुरी में गुरहत्थी बोला जाता है और मगही में बरनेती बोला जाता है। तो बरनेती वही तीनों रस्म वही है, लेकिन जो भाषा होती है वो अलग अलग लोग बोलते हैं। तो वही मैथिली में निरीक्षण देख सकते हो, अभी निरीक्षण हो रहा है। तो यहाँ पे सारे चीज़ जो भी जेवर उबर होता है वो जो है वो जेठी चढ़ाते हैं। तो वही अभी रस्म हो रही है। और एक बात मैं बता दूँ, मुझे क्यों आना पड़ा था अपने ससुराल बारात से, क्यों नहीं मैं लौट के मायके क्यों नहीं गई, ये भी मैं आप लोग को खुलासा ज़रूर करूँगी। तो बने रही है मेरे ब्लॉग में। कर लीजिए ढलना से शुरू करेंगे। खुल खुल दियो, खुल के दियो, खुल के वो यार ढक्कन खोल लेना बस। चढ़ाना होगा मंगल ढोलना चढ़ाए ढोलना सर पे चढ़ाएगा अभी वही बोल दो ए गोलू ढोलना चढ़ा दी उनका पे ढोलना निकाल कर और बाकी छुआ छुआ के नीचे रखिएगा। भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा मंगलम गुजरात का मंगलाय तनवार जय गणेश मंगल करम सुभाय वक्त रखने और अब मैं बता देती हूँ कि मैं मायके क्यों नहीं गई, क्योंकि मुझे अर्जेंट था, मुझे ससुराल आना था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, जी हाँ, कुंज की दादी माँ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मुझे आना पड़ा। और उसके बाद फाइनली हम लोग बैठ गए ट्रेन में और यहाँ पे देख सकते हो कुंज, और कुंज सो गया था तो उसे हम सुला दिए थे, और यहाँ पे कुंज और कुंज के पापा हैं। फाइनली हम लोग घर आते हैं, लेकिन घर का सूट कुछ नहीं कर पाते हैं, समझ सकते हैं ऐसे सिचुएशन में घर का शूटिंग कैसे कर पाते, इसलिए नहीं कर पाए। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।